बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल आबाद रखे। आज मैं जो पांचवी मुहर्रम की न्याज है, जो बच्चों को हम बांटेंगे दूध, उनको ठंडा करके देंगे, और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप देखते जाएं। अब मैंने एक पैन लिया है और ऑल्पर के मैं ओपन कर रही हूँ, और मैं इसमें अब पैन में ये इसमें सारा दूध निकाल लेंगे। आज पांचवी मुहर्रम है और 14 अगस्त भी है, दोनों दिन जो हैं ये साथ साथ हैं। सारे ये मैंने ऑल्पर के 4 डब्बे मैंने ये लिए हैं। बाकी भी हम ओपन करेंगे और इसमें तमाम दूध ऐड कर लेंगे पैन में, और फिर मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। और मज़ीद इसमें क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये दूध बच्चों को पिलाया जाता है और इसके लिए मैं एक ख़ास किस्म की घड़ियाँ लेकर आई हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको मैंने भिगोने के लिए रख दी हैं, मिट्टी की छोटी छोटी गोलियाँ हैं, उनमें ये दूध डालकर हम बच्चों को देंगे। ठीक है, अब मैं ये सारा दूध मैंने इसमें निकाल लिया। अब मैं इसको चूल्हे पर रखती हूँ ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए जी। अब ये देखिए, मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया है और अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 10 इलायची हैं वो मैं तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना, एक बॉयल आएगा तो फिर हम इसको निकाल ले उतार देंगे स्टोव से। और चीनी, इलायची के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पाव चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको जब तक उबालना है जब तक इसमें जोश ना आ जाए। अब मैं ये 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ और वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से जो मीठा ज़्यादा पसंद करता है फुल कटोरी डाल लें, अगर नहीं है तो थोड़ी सी कम डाल लें चीनी। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे अब हम। और ये जो ऑल्पर का दूध है पकाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने कहा चलो एक जोश दे देते हैं और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। सिर्फ एक ही जोश हम देंगे और फिर इसको स्टोव से उतार लेंगे जी। ये देखें, ये दूध की कटोरियां हैं, ये मैंने पानी में भिगो कर रख दी हैं और अब मैं इनको धोकर और फिर इनको ड्राई करती हूँ। ठीक है, ये मैंने तकरीबन सुबह से भिगोई हुई थी ताकि ये अच्छी से भीग जाए जी। ये देखें, माशाल्लाह इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, ये देखें ये। और थोड़ा सा और मज़ीद मैं इसको पका लेती हूँ। ये हुसैनी दूध शीरनी बहुत अच्छी होती है और बच्चों को ज़्यादा दी जाती है, बांटी जाती है। पांचवी मुहर्रम में हम लोग देते हैं हुसैनी दूध शीरनी। ओके, और इसमें अब मैं तकरीबन 1 पाव जो है ये कटे हुए बादाम में डाल रही हूँ, 1 पाव है ये। ठीक है, ये सब इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये पक जाए,
और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ठीक है, एकदम से ये दूध बाहर आ जाएगा। देख जी से ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ठीक है, और अब जो है इसको थोड़ा सा मैं इसमें ये चलाती रहूँगी ताकि ये इसकी स्टीम निकल जाए और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ये दूध बहुत मज़ेदार होता है और बच्चों को दिया जाता है पाँचवीं मुहर्रम में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आती हूँ और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। और जब तक मैं वो कोलियाँ हैं उनको अच्छी से वॉश कर लेती हूँ और जब तक ये ठंडा हो जाएगा तो मैं कोलियों में भर लूँगी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए मैंने माशाल्लाह इनको अच्छे से जो है वॉश कर लिया है इन सबको, और थोड़ा ये ड्राई हो जाए इसलिए मैंने इनको थोड़ा उल्टा रखा है। और जब तक दूध ठंडा हो रहा है, दूध ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें इनको फिल करूँगी इन कटोरियों को। ठीक है, और फिर बच्चे को ये हमने बांटना है। जी ये माशाल्लाह अब देखें दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इनको अब हम इन कोलियों में भर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बच्चे बुलाएंगे, अब उन बच्चों को ये हम तकसीम करेंगे बच्चों में। ये पांच मुहर्रम अल हराम का हुसैनी दूध शिरनी है। ये तमाम कोलियों में दूध भर लेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दूध है, चीनी है, इलायची है और बादाम है। और इसको हमने चिल कर लिया है दूध को। बच्चे जिस बच्चे ने अपनी कोली साथ लेकर जानी है साथ ले जाएंगे, जिसने छोड़नी है वो छोड़ देंगे। मोस्टली अपने साथ ही बच्चे ले जाते हैं। कितनी छोटी और ख़ूबसूरत सी ये कोली होती है, दूध की भरी हुई ले जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला कबूल करे। नीचे से ना घुमा के निकालो बादाम भी, बादाम सारे नीचे हैं, सो आ जाएंगे कोली में। ठीक है, ये माशाल्लाह ये एक हो गया है। अब इसको दूसरा लेते हैं, उसमें शिफ्ट करते हैं। जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक बैच बन गया है। और अभी हम बच्चे बुला रहे हैं और बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो मज़े ले लेकर पियेंगे। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी पांच मुहर्रम अल हराम की हुसैनी दूध शिरनी कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और आप भी इंजॉय कीजिएगा और आप भी आज के दिन कुछ ना कुछ अपने शहदा जो हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और फैमिली के हैं जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी याद में हमने ये सब कुछ किया है, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी ये छोटी छोटी सी ये नज़र जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और आज 14 अगस्त भी है, पांच मुहर्रम अल हराम है, और सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। अल्लाह हाफिज़।